Quite a few things in common. I like to work hard, same as the Mont Blanc brand. They've got craftsmanship. They've stood the test of time for 111 years now, and it's for me a huge privilege and an honor to be associated with a strong maison like that. I've always loved charity work and getting involved in making the world a better place, and that's exactly what Mont Blanc has done with in association with UNICEF. Just basically the pass it on campaign. Giving children the opportunity to write and spreading awareness around the world of how important and how powerful it can be to write. I've had my personal experiences throughout my life of handing out letters or written letters and also receiving that has changed my life, and we want to create awareness on social media platforms around the world. ये बहुत ही अच्छा कॉज है. मॉन्ट ब्लांक अलॉन्ग विथ यूनिसेफ हैज़ बीन डूइंग दिस फॉर 13 years. 13 साल से वो बच्चों के एजुकेशन के लिए फंड्स रेज कर रहे हैं. सो इट्स अ वेरी वेरी गुड कॉज, एंड व्हेन दे इनवाइटेड मी आई वाज वेरी हैप्पी टू बी हियर. यू नो आई हैव जस्ट हैड अ बेबी एंड आई अंडरस्टैंड कि हर पेरेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है टू सी दैट चाइल्ड गेट द राइट काइंड ऑफ एजुकेशन. बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाए, उसके लिए राइटिंग इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मीडियम. एंड उन्होंने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कॉल्ड पास इट ऑन, विच इज़ अ हैशटैग विच ए बी डिविलियर्स जो उनके ब्रांड एम्बेसडर हैं, ही इज़ गोइंग टू यू नो यूज़ दैट एंड एक्सप्रेस समथिंग दैट ही फील्स, जो राइटिंग के थ्रू वो लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि वही चीज़ फिर यू नो सामने वाला आगे पास ऑन करे. एंड आई थिंक दैट्स अ लवली इनिशिएटिव. इट्स अ वे ऑफ कनेक्टिंग पीपल एंड एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ, इज़ वेरी नाइस. मुझे हमेशा मेरे पेरेंट्स जब से मैं बहुत छोटा था हमेशा कहते थे कि बेटा यू डू व्हाट यू वांट टू डू. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर हम ये कर रहे हैं तो आप भी यही कीजिए, या कोई भी रिस्ट्रिक्शन है या हमारी कोई भी एक्सपेक्टेशंस हैं. आई थिंक पेरेंट्स को ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे आपके थ्रू पैदा होते हैं लेकिन आपका उन पर एक पॉइंट तक ही हक़ है, उसके बाद उनकी अपनी ज़िंदगी होती है. सो आई मीन मीशा इज़ वेरी वेरी स्मॉल, शी इज़ ओनली 8 months old राइट नाउ, बट आई जस्ट विश दैट शी डज़ व्हाट शी इन्जॉयज़. वो जो भी करना चाहें मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा और मैं उनको सपोर्ट करूँगा, उनको प्यार दूंगा और उनसे एक्सपेक्ट करूँगा कि वो मेहनत भी करें. लेकिन एज अ पेरेंट सिर्फ अपने बच्चे को सपोर्ट करना चाहिए, इनक्रेज करना चाहिए. कई बार आप अपनी फीलिंग्स बच्चे तक एक बोझ की तरह कभी कभी उनके ऊपर पड़ जाती हैं, तो वैसा मैं नहीं चाहता मैं कभी भी करूं. वट एवर मेक्स अ हैप्पी, तो जब वो डांस कर रहे थे वे स्माइल करते हैं तो मैं उससे खुश हो जाता हूं, वो किसी और चीज़ से खुश होती है तो मैं उससे खुश हो जाता हूं, तो माई हैप्पीनेस इज़ इन हर हैप्पीनेस. आई एम अ ह्यूज फैन, आई एम अ ह्यूज ए बी डिविलियर्स फैन. आई हैव बीन अ क्रिकेट बफ सिंस आई वॉज I don't know, like 3 years old. So seeing AB bat the way, and he's one of those people, you know, he's one of the new age cricketers who have changed and redefined all the rules. Jis tarike se cricket kheli jati thi aur jis tarike se AB de Villiers khelte hain, I mean 15 saal pehle agar koi kehta ki is tarah ke shots dekhne ko milenge to log shayad haste. So he is really somebody who has rediscovered the game, and he expresses himself with so much confidence and so much positivity. He's a great brand ambassador for Mont Blanc to have, and I'm very happy to be here sharing this platform with him and you know getting to chat with him. It's quite a casual, nice atmosphere inside, so you know you can sit and chat across the table with each other, so it's great to you know interact with him and with everybody else, to be honest.